सिंह जी आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास बोलने के आपके लिए बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या आप अब इस्तीफा देंगे? क्यों दें इस्तीफा? इस्तीफा नहीं देंगे। क्यों दें इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? छह आपके खिलाफ प्रोटीन सप्लीमेंट देने के इसमें क्या गया? वस्तुतः स्थिति ये है कि यहाँ पर देश का विपक्ष आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है। आपका टेस्ट, आपका परीक्षण इस समय देश की बेटियां करना चाहती हैं। प्रधानमंत्री अपने चहेते सांसद बृजभूषण सिंह को पार्टी से कब निकाल फेंकेंगे? महिला खिलाड़ियों के खिलाफ यौन शोषण के मामले पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? क्यों प्रधानमंत्री मोदी पर भड़क गई कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेट? साथ ही इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी के चहेते सांसद बृजभूषण का अहंकार देखेंगे। महिला पत्रकार ने सवाल पूछा तो माइक ही तोड़ दिया बृजभूषण शरण सिंह ने। वहीं ये भी जानेंगे कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद बृजभूषण पर क्या धाराएं लगाई गई हैं और आरोप साबित होने पर कितने साल जेल में रहेंगे बृजभूषण शरण सिंह। जय हिंद दोस्तों, मैं शहनवाज आलम और आप देख रहे हैं खबरी लाल। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को बताया कि भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। आरोप पत्र में IPC की धारा 354, 354A और 354D को दाखिल किया गया है। ये आपराधिक धाराएं किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, सेक्सुअल हैरेसमेंट करने और पीछा करने के मामलों में लगाई जाती हैं। वहीं बृजभूषण शरण सिंह के सहायक सचिव विनोद तोमार पर भी सेक्सुअल हैरेसमेंट और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के अलावा IPC की धारा 109 और 506 के तहत अपराध को बढ़ावा देने और धमकी देने का आरोप लगाया गया है। चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह और उनके साथी विनोद तोमार दोनों पर महिला के खिलाफ अपराध का आरोप लगा है। दोनों पर धारा 354 और 354E के तहत केस चलेगा। धारा 354 के तहत कम से कम एक वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष की सजा और साथ ही जुर्माना भी देना पड़ेगा। इस धारा के तहत पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। साथ ही ये धारा नॉन अवेलेबल भी होता है, जिसका अर्थ यह है कि जमानत आरोपी के अधिकार में नहीं होगा और कोर्ट ही इसका फैसला करेगी और कोर्ट के फैसले पर ही सारा कुछ निर्भर होगा। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेट ने इस मामले में बृजभूषण और प्रधानमंत्री को निशाना साधा है। साथ ही टाइम्स नाउ की एक लेडी पत्रकार ने जब बृजभूषण से बात करने की कोशिश की तो बृजभूषण ने उनके कोई सवालों का जवाब नहीं दिया। जब पत्रकार ने बृजभूषण से पूछा कि क्या आप इस्तीफा देंगे तो इस सवाल पर वो भड़क पड़े। क्या आप अब इस्तीफा देंगे? क्यों दें इस्तीफा? इस्तीफा नहीं देंगे। क्यों दें इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? छह आपके खिलाफ। और बाद में जब लेडी पत्रकार सवालों से पीछे नहीं हटती हैं तो फिर बृजभूषण का गुंडागिर्दी आप वीडियो में देख सकते हैं। सवाल यह है कि मीडिया और टाइम्स नाउ जैसा वरिष्ठ चैनल के साथ अगर ऐसा बर्ताव होगा तो फिर छोटे छोटे पोर्टल और फ्रीलैंसिंग करने वाले पत्रकार, उनका क्या होगा? मैं सरकार से अपील करता हूं कि मीडिया की सेफ्टी के लिए कोई कदम जरूर उठाएं। हमारे प्रधानमंत्री से बहुत ही चंद कुछ सवाल है। हमारा पहला सवाल तो वही है जो ये सवाल पूरा देश सोच रहा है। महिला खिलाड़ियों के खिलाफ यौन शोषण के मामले पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? उन बेटियों के मामले पर जिनको उन्होंने अपने घर की बेटी कहा, प्रधानमंत्री अपने चहेते सांसद बृजभूषण सिंह को पार्टी से कब निकाल फेंकेंगे? ये सवाल आज देश पूछ रहा है। आज देश पूछ रहा है कि भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? क्यों इतनी छूट मिली हुई है उनको? और अंत में मोदी जी, आपकी सरकार बृजभूषण सिंह को संरक्षण देना कब बंद करेगी? बिकॉज यहां पर वस्तुतः स्थिति यह है कि यहां पर देश का विपक्ष आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है। आपका टेस्ट, आपका परीक्षण इस समय देश की बेटियां करना चाहती हैं। क्या नैतिकता है जरा सी भी आप में? और आप क्या कीजिएगा? सर,
सो ब्रिजभूषण सिंह सरन हैज अराइव्ड एट द दिल्ली एयरपोर्ट, विल ट्राई टू आस्क क्वेश्चन टू हिम। सिंह जी आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास आपके खिलाफ अब चार्जशीट दायर हो गई, चार्जशीट में कई सारी चीजें सामने आ रही है, 354 AED सब कुछ मेरे खिलाफ। मेरे पास बोलने के आपके लिए बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। पुलिस ने कहा है कि कार्रवाई की जानी चाहिए, आप सजा के हकदार हैं। मेरे पास आपके लिए कुछ मसाला नहीं है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि आपको पार्टी निष्कासित क्यों नहीं कर रही है? कोर्ट में चलिए, कोर्ट में। क्या आप अब इस्तीफा देंगे? क्यों दें इस्तीफा? इस्तीफा नहीं देंगे। क्यों दें इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? छह आपके खिलाफ आपके आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? छह आपके खिलाफ केसेस दायर हो चुके, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? छह केसेस दायर हो चुके जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट है, और ये भी कहा गया है कि लगातार सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया आपने उनको। प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब भी आपने प्रोटीन सप्लीमेंट देने के इसमें किया गया। हमारे माइक, सो दिस वॉज ब्रिजभूषण शरण सिंह हु जस्ट मिसबिहेव्ड विद द मीडिया पर्सन्स एंड ही हैज जस्ट यू नो व्हाइल वी वर स्पीकिंग टू हिम ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड, ही बिहेव्ड इन अ रूड मैनर एंड दैट इज व्हाट। वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और हमारे Facebook पेज को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।